तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निजामुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। 1 का मतलब पार्ट 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 है हमारा x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल 0। इसको भी बायसेक्शन मेथड पे ही सॉल्व करना है। आगे हमें पता है मेथड क्या होता है बायसेक्शन। कुछ स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। हम लेट लेते हैं ए और बी के वैल्यूज़। फिर एफ ऑफ ए अगर नेगेटिव आता है और एफ ऑफ बी फिर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो एफ ऑफ बी तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए। मतलब ये कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम इस मतलब प्रोसेस को आगे चलाते हैं। देन वी यूज फार्मूला एक्स वन इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। सो यहाँ पर है एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल 0। तो हमने फंक्शन में 0 पुट किया, इसमें 0 पुट किया, कॉस एक्स पे भी 0 हमने पुट किया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है -1, ठीक है। जब हम 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली जो फंक्शन है इसमें 1 जब पुट कर रहे हैं तो हमने 1 लिखा, माइनस कॉस 1 लिखा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। और हमने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। कल भी मैंने आपको बताया था 3 डेसिमल प्लेसेस पर कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करके सेटअप को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ रहा है फिक्स 6 नंबर पे, ठीक है। 6 किया हमने, यहाँ पर 0 से आपको पूछ रहा है 9 तक, ठीक है। आप 3 को प्रेस करेंगे तो ये 3 डेसिमल पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 1 माइनस कोस 1। हमारे पास आ रहा है 0.000, ठीक है, 0.000। वेल, तो हमारे पास 0 आ गया, -1 और 0, मतलब ये एक नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास कंडीशन है, तो इस कंडीशन से हम आगे चलेंगे। ए इक्वल्स टू हमने लेट लिया 0, ए इक्वल्स टू हमने लेट लिया 0 और बी हमने लिया 1 के बराबर। फिर फंक्शन ऑफ ए पुट कर रहे हैं तो हमारे पास -1 आ रहा है, और फंक्शन ऑफ बी पुट कर रहे हैं मतलब 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है। ये फिक्स 3 पर है, इसी वजह से 0.000 आ रहा है, मतलब, ठीक है। अगर आप इसको फिक्स करेंगे ज़्यादा नंबर्स पे, लेट सपोज हम इसको फिक्स कर रहे हैं 5 नंबर्स पे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.00015, ठीक है, 15, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पर हमें लेना क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस पर लेना है, तो यहाँ पर आ रहा है 0.000, तो हम यहीं तक चलाएंगे। इसको फिक्स करते हैं दोबारा हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे, तो आ रहा है 0.000। वेल, हम उठाएंगे 0.000 भी लिख सकते हैं या 0 लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। तो हम अपनी आगे स्टोरी बढ़ाते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव वाला है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला है। ए जो है हमारा नेगेटिव वाला है, ये वाला ए जो है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। बी जो है हमारा पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू जो फंक्शन का आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो ए नेगेटिव लिया मैंने, बी पॉजिटिव। फंक्शन ऑफ ए हमारा आ रहा है -1 और फंक्शन ऑफ बी आ रहा है 0, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, ये फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ए हमारा 0 है और बी हमारा 1 है। ए 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में, इसी में 0.5 पुट कर रहे हैं। 0.5 हमने x की जगह लिखा, माइनस कॉस x की जगह 0.5 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है आंसर -0.5। तो -0.5 आ रहा है। ये -0.5 क्या है, हमारा नेगेटिव वाला वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू हम नेगेटिव की प्लेस में रिप्लेस करेंगे। ये a नेगेटिव है तो हमने ये 0.5 यहाँ पर लिखा, ठीक है। फंक्शन ऑफ a कहाँ है, यहाँ पर है। तो फंक्शन ऑफ a, फंक्शन में जब हमने a का वैल्यू पुट किया है तो क्या आया, 0.5, तो 0.5 लिखा हमने माइनस का। बाकी फंक्शन ऑफ b चेंज नहीं होगा, ये सेम है, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। आगे चलते हैं, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 1 + 0.5 / 2, तो हमारे पास आ रहा है 0.75। यही इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है -0.250, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो नेगेटिव आया तो इसकी जगह हम मतलब नेगेटिव, ये वाला वैल्यू जो होगा हम नेगेटिव की जगह प्लेस करेंगे, 0.775 हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वाला वैल्यू सेम है, ये वाले दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। बाकी इस फंक्शन का वैल्यू क्या आया था हमारा, -0.25, ये हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, 1 + 0.75 / 2, तो हमारे पास आ रहा है 0.875। तो ये वाला फंक्शन में जब पुट करें तो हमारे पास आ रहा है -0.125, नेगेटिव आ रहा है। तो अगेन ये वाला वैल्यू हम इसकी जगह नेगेटिव वाले कॉलम में रिप्लेस करेंगे, बाकी पॉजिटिव वाला सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे फंक्शन।
बाकी ये वाला वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किया है तो ये वाला हम यहाँ पर करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोसेस सारा हम चलाएंगे। उसके बाद आ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा देख लें, वैसे तो सेम ही है बात, ठीक है। 0.9931 इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो फंक्शन में पुट करेंगे इस वाले में, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला वैल्यू मिल रहा है, तो ये वाला वैल्यू हम नेगेटिव की कॉलम में रिप्लेस करेंगे। ये 0.997 आया है तो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये दोनों सेम है। बाकी ये फंक्शन का क्या वैल्यू था, 0.003 माइनस का, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे, 0.999 आ रहा है, ठीक है। जब 0.999 आ रहा है तो हम ये फंक्शन में जब पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है -0.001, ओके। तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू आया है, तो ये वाला हम नेगेटिव की जगह हमने रिप्लेस किया 0.9999 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा है 0.999 और ये हमारा सेम है। बाकी ये वाला इसका फंक्शन क्या आया था हमारे पास, -0.001 यहाँ पर रिप्लेस किया हमने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1। 0.999 को 1 के साथ प्लस करके जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। जब ये 1 आ रहा है तो 1 जब हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 0, 0.00 आएगा, ठीक है। तो 0 आ रहा है हमें, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये 0 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम ये पॉजिटिव की जगह ये वाला 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमने यहाँ पर रखा तो ये वाला वैल्यू हमें इसकी जगह रखना पड़ेगा, पर यहाँ पर ऑलरेडी ये सेम चीज़ थी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, ये 0 फिर वापस यहीं पर रखा और ये वाला वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब अगर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे फिर भी तो 1 ही आएगा ना, फिर भी क्या आएगा, 1, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाली चीज़ें सेम थी इसमें और दोबारा रिपीट भी हो गई, ठीक है। तो अगर रिपीट हो गई तो यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, आंसर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये वाले वैल्यूज़ क्या हो गए हमारे, रिपीट हो गए। यहाँ पर 1 आया था पहले भी, अब दोबारा भी 1 आ गया, ये वाला 1 क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रिपीटेशन ही चाहिए थी वैसे भी, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिर्फ क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।